नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बड़े भारी मन के साथ और तकलीफ के साथ मैं आज एक मुद्दे पर बोलने के लिए आपके बीच मौजूद हूँ। गुंडों से लेकर पुलिस वालों तक किस हद तक, किस पैमाने पर लोगों के साथ हिंसा करते हैं मैं देख भी नहीं पाता हूँ। बहुत सारे वीडियो मैं देख भी नहीं पाता हूँ। लोग हिंसा करते हैं, पुलिस हिंसा करती है, गुंडे हिंसा करते हैं। और लोगों में बतलाऊँ मैं आपको, अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, पुलिस वाले एक किसी मौका है वारदात पर, जहाँ पर कोई जुर्म हुआ होगा, वहाँ पहुँचे जाँच करने के लिए। देश में जो नए कानून आए हैं उसके मुताबिक पुलिस को कुछ खास किस्म के जो जुर्म हैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है मौके पर। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और परिवार की महिलाओं ने जो हमला किया है पुलिस के ऊपर, इतना मारा है पुलिस को, इतना मारा है, लाठी लेकर मारा है, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए मारा है। परिवार की महिलाएं माँ बहन की गालियां बक रही हैं पुलिस वालों को, वर्दी में पुलिस वाले पिट रहे हैं। मुझको पक्का भरोसा है कि अगर पुलिस वाले चाहते तो महिलाओं के ऊपर हाथ उठा सकते थे, उन्होंने नहीं उठाया, बर्दाश्त दिखाया। ये भी हो सकता है कि भीड़ इतनी बड़ी थी वहाँ मोहल्ले में कि पुलिस को सुरक्षित ना लगा हो हाथ उठाना महिलाओं पर, कि और ज़्यादा मार पड़ेगी, और ज़्यादा हमला होगा। लेकिन वो महिलाएँ घरेलू महिलाएँ दिख रही थी, जिस अंदाज में उन्होंने हमला किया था पुलिस पर, मैं हक्का बक्का था उसको देखकर। कैसे हो सकता है ये? कैसे महिलाएं वर्दीधारी पुलिस वालों को, जिसमें कई वीडियो कैमरों से रिकॉर्डिंग हो रही है, अब तो मोबाइल फ़ोन में वीडियो कैमरे ही भरे हुए हैं, किस तरह से वो महिलाएं, मैं कोशिश करता हूँ, दो दिन पहले का वीडियो है, अगर मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि सार्वजनिक जीवन में लोग किस कदर बेधड़क और हिंसक हो गए हैं। बेधड़क इसलिए कह रहा हूँ मैं, पुलिस पे हमला करना आसान नहीं है, कानून बहुत कड़ा है। जो भी वो महिलाएं रही होगी, उन्होंने मार तो दिया, भीड़ का हिस्सा होकर, जिसमें कि सिर बहुत रहते हैं, दिमाग एक भी नहीं रहता, उसका हिस्सा बनकर उन महिलाओं ने पुलिस पे हमला तो कर दिया, बहुत बुरी तरह मारा है। और वो किसी महिला के साथ बदसलूकी करते नहीं दिख रहे थे, मौके की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो कि कानून में अनिवार्य किया गया है, वरना उनकी जांच कमजोर मानी जाएगी, अदालत से मुजरिम छूट जाएंगे। इससे एक नया खतरा और खड़ा हो रहा है, क्या करे पुलिस? पुलिस को वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करनी है तो क्या उसके लिए 25-50 पुलिस को लेके जाए तब रिकॉर्डिंग चालू करे? दो चार पुलिस वाले तो दिख रहे थे मुझको, जिनको महिलाएं इतनी बुरी तरह मार रही थी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या अलग से फोर्स को भेजना पड़ेगा? ये एक मुद्दा हुआ। लेकिन एक दूसरा मुद्दा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये परसों की बात है, दो दिन पहले की बात है। रायपुर रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायपुर रेलवे स्टेशन है, जिसको मॉडल स्टेशन कहा जाता है, वहाँ का एक नज़ारा, एक वीडियो मैंने देखा तो मैं देख कर हक्का बक्का रह गया। एक नौजवान दुबला पतला सा दिख रहा था, मुझको नहीं मालूम कि वो एकदम गरीब था कि नहीं था, दुबला पतला सा था। उसके पैर में रस्सी या गमछा कुछ बांध लिया एक पैर में, और उसको घसीट के दो लोग लेके जा रहे थे, एक के हाथ में लाठी भी थी, मुझको खबरें बताती है उसको लाठी से पीटते भी जा रहे थे। वो वीडियो मैंने देखा, दिल दहलाने वाला वीडियो है। वो प्लेटफॉर्म भरा हुआ है रायपुर रेलवे स्टेशन का, एक नंबर का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक घसीटते लेके चले गए, जिनको वेंडर कहा जाता है स्टेशन की जुबान में, जो वहाँ ठेले वाले रहते हैं, जो बेचते हैं भीतर सामान, लाइसेंसधारी ठेले वाले। हो सकता है कि जो ठेकेदार है, जिसको पूरे रायपुर स्टेशन पर खान पान का सामान बेचने का ठेका मिला है, उसके कर्मचारी हों वो, या उसके वेंडर हों वो, ठेके पे चला रहे हों। एक बिस्किट का पैकेट उसने चोरी किया है, ये आरोप था उसके ऊपर। सच था कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन
मारना और रेलवे प्लेटफार्म पर मरे हुए जानवर की तरह घसीट कर ले जाना, मरे हुए जानवर की तरह एक पैर से रस्सी या गमछा बांधकर उसको घसीट कर लेके जा रहे हैं पूरे प्लेटफार्म पर। सैकड़ों लोग वहां पर देख रहे हैं, सैकड़ों लोग, दखल किसी ने नहीं दिया, दखल किसी ने नहीं दिया। मैं नहीं जानता कि मैं वहां खड़े रहता तो मेरा हौसला होता कि नहीं होता, क्योंकि लाठी या डंडा लिया हुआ था उनमें से एक, दोनों मवाली के अंदाज में चल रहे थे, लग रहा था स्टेशन पे उन्हीं का राज है। पता नहीं अकेला मेरा हौसला होता कि नहीं, मैं और कुछ लोगों को कहता रोको, लेकिन वहां पर चार पुलिस वाले खड़े हुए थे, तीन या चार, दिख रहा है इसी वीडियो में, दिख रहा है, मैं अलग से नहीं बतला रहा हूं, वर्दी में थे, ड्यूटी पे थे। बाद में उन ऐसे तीन लोगों को सस्पेंड किया है पुलिस ने, जो शायद रेलवे पुलिस में रहे होंगे, उनको सस्पेंड किया है तीन लोगों को। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये दो मामले तो मैंने बतलाए आपको जनता के, तीसरा मैं बतलाऊं आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, कुछ लोग वहां पे सड़क बनाना चाहते थे, एक परिवार कहता था ये जमीन उनकी निजी है, यहां से सड़क नहीं बनाने देंगे। वहां सड़क बनाने के लिए एक ट्रक भर के मुरम या कुछ लेकर पहुंची लोग वहां गिराने के लिए, सड़क बनाने के लिए महिलाओं ने रोकने की कोशिश की, उन महिलाओं के ऊपर ही पूरा एक ट्रक मुरम को खाली कर दिया गया, दब गई महिलाएं उसके भीतर, एक कमर तक दब गई, एक गले तक दब गई, कमर तक दब गई, एक गले तक दब गई, सिर भर बाहर था उसका। आसपास के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने किस तरह से उनको निकाला होगा मैं नहीं जानता। आप कल्पना कीजिए अगर मुरम में आपको गले तक पाट दिया जाए, बचा क्या था? अगर जरा सी मुरम और रहती तो वो औरत पूरी की पूरी दब गई रहती। जो परिवार था मध्य प्रदेश का, वो दलित या आदिवासी परिवार नहीं था, सवर्ण परिवार था, जो रायपुर रेलवे स्टेशन पर जिसको मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, ये भी दलित या आदिवासी नहीं था, अल्पसंख्यक नहीं थे दोनों ही मामलों में। यहाँ भी सवर्ण लड़का था जिसको घसीटा जा रहा था, इसलिए उस बात को मैं लागू करना नहीं चाहता कि दलितों, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मामले उससे अलग थे। लेकिन मैं बिलासपुर, रायपुर जैसे शहरों को देख रहा हूँ, यहाँ के गुंडे मवाली आए दिन जिस अंदाज में मारपीट कर रहे हैं। मैंने बिलासपुर, जहाँ पर की हाई कोर्ट है, जहाँ जज रहते हैं तमाम, वहाँ मैंने सुना है कि कोई मॉल में कोई बार चलता है जो पूरी रात 3 बजे 4 बजे तक शराब बेचता है। मॉल का शराब खाना जो है बड़े लोग चलाते हैं, बड़े कारोबारी रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। वहाँ कोई अफसर कोई नहीं जाते रात को रोकने के लिए। वहाँ लड़के लड़कियाँ जिस अंदाज में मारपीट कर रहे हैं, कई बार वीडियो आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, वहाँ के लड़कियाँ भी शराब पिए हुए सड़क पर मारपीट कर रही हैं, लड़के अलग मारपीट कर रहे हैं, जो मॉल के बार के जो बाउंसर हैं वो अलग लोगों को पीट रहे हैं। मैं सोचता हूँ आज वीडियो कैमरे के ज़माने में अगर लोगों का इतना हौसला है, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसी जगह मेरी कार को मैं पार्क न करूँ जहाँ पर नो पार्किंग हो, जहाँ पर कोई आके चालान कर सके, कार किसी को छू न जाए, धक्का न लगे, कोशिश करता हूँ मैं ऐसी। वहाँ पर लोग इस दर्जे की हिंसा कर रहे हैं, इस दर्जे से मार पीट रहे हैं, और पुलिस कई कई शहरों में, कई कई जगहों पर लोगों को जिस अंदाज में मारती है, जिस अंदाज में लाठियों से कूटती है, चूरा चूरा कर देती है लोगों का, भयानक है उसको देखना। मुझको लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज थे, जस्टिस एन मुल्ला, मुल्ला उनका तखल्लुस था, नाम उनका अवध नारायण था, उन्होंने फैसले में लिखा था कि यूपी की पुलिस के बारे में शायद लिखा था,
कि ये देश का सबसे बड़ा गुंडा गिरोह है जो वर्दी में काम करता है, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने किसी फैसले में या अदालत में जुबानी टिप्पणी में ऐसा कहा था। ये बात बहुत चली है, कोई मैं अकेले इसको नहीं बतला रहा हूँ। उस पुलिस की हिंसा देखें, केवल यूपी में नहीं, हर प्रदेश में जहाँ पुलिस को मौका मिलता है वहाँ अगर पुलिस की हिंसा देखें, भयानक हिंसा है। हिरासत में मौत तो अलग बात है, वो तो किसी एक व्यक्ति को मारते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जहाँ आज की तारीख में आप मान सकते हैं कि अगर 20 लोग भी इकट्ठा हैं तो उनमें से 18 के पास वीडियो कैमरे होंगे मोबाइल में, वहाँ पर अगर इतने बेधड़क होकर पुलिस के लोग पीटते हैं लोगों को, क्या हो रहा है? ये मुजरिम मार रहे हैं, घरेलू महिलाएं मार रही हैं, स्टेशन के कारोबारी वेंडर मार रहे हैं, रस्सी या गमछा बांधकर पैर में मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर ले जा रहे हैं किसी को, उनको डर भी नहीं है, उनके चेहरे दिख रहे हैं, कोई मुंह भी नहीं ढांका है, वहीं पर कारोबार करते हैं, वहीं धंधा करते हैं, लाइसेंसी है, उनका नाम भी होगा रेलवे के पास में, पुलिस के पास में, नाम, आई कार्ड सब कुछ होगा उनका, कोई डर नहीं है उनको। हजारों लोगों की भीड़ में सैकड़ों लोग इनकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे, उनको कोई डर नहीं है। एक पैकेट बिस्किट के चोरी का झगड़ा था, वहाँ पुलिस वाले थे, चाहते तो ये वेंडर उसी स्टेशन पे 24 घंटे काम करते हैं, ये जाके थाने में रिपोर्ट कर सकते थे, इनके कहे पुलिस बेकसूर को भी अरेस्ट कर ले, वो तो फिर भी कसूरवार था ऐसा इनका कहना है, लेकिन मान रहे हैं। इनको पुलिस, कानून, अदालत, जज, इन सब से ऊपर अपनी ताकत पर भरोसा है कि हम पीट सकते हैं, मार सकते हैं। मैं हैरान हूँ, छोटी छोटी सी जगहों पे जिस अंदाज में गुंडागर्दी हो रही है, जिस अंदाज में हिंसा हो रही है, और अब तो मुझको ऐसा लगता है कि हिंसा करने के लिए किसी को किसी नेता का बेटा होना भी ज़रूरी नहीं है, नेता होना भी ज़रूरी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश का एक वीडियो आया है जिसमें विधायक कहा जा रहा है, मैं नहीं पहचानता हूँ विधायक है कि नहीं, विधायक कहा जा रहा है, वो एक व्यक्ति को अपने घर के ड्राइंग रूम में, सजा हुआ घर है, उसमें लाठी लेकर जिस अंदाज में पीट रहे हैं, मैं हक्का पक्का हूँ देख कर कि वे व्यक्ति जिंदा कैसे है। इतना मारा जा रहा है उसको, इतना मारा जा रहा है, मैं क्या बतलाऊँ आपको। सार्वजनिक जगहों पर जब ऐसा होता है, सार्वजनिक जीवन के लोग जब ऐसा करते हैं, जब वीडियो कैमरों के सामने करते हैं, बहुत सारे मवाली, मेरे अपने शहर में, राजधानी रायपुर में अभी पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ कर, ऐसे ही मवालियों को, इनका सिर आधा था मुंडवाया, इनका जुलूस निकाला, इन्होंने किसी के ऊपर बहुत ही हिंसक हमला करके उसको बुरी तरह पीटते हुए उसका वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था, खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। हिंदुस्तान में हर दिन एक से ज़्यादा ऐसे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं जिसमें बलात्कारी खुद अपने वीडियो बना रहे हैं, बलात्कार की शिकार लड़की या महिला को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने रिपोर्ट की तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे जिसमें बलात्कारियों के चेहरे दिख रहे हैं, उसको पोस्ट कर देंगे सोशल मीडिया पर। लोगों को ये झिझक नहीं रह गई है कि उस वीडियो में तो बलात्कारी दिख रहे हैं, वो झिझक नहीं रह गई है, वो उसको धमकी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदूक की नोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। लोग बलात्कार के अपने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, हिंसा के अपने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में लोगों को लाठियों से कुचल रहे हैं, उसके वीडियो उनकी मौजूदगी में, उनकी जानकारी में बन रहे हैं, किसी के घर में उनकी मर्जी के खिलाफ थोड़ी वीडियो कोई बना सकते हैं, तो उनकी जानकारी में बन रहे हैं वीडियो। लोग वीडियो को एक आतंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि तमाम लोग देख लें कि मैं कितना बड़ा दादा हूँ, मैं कितनी गुंडागर्दी कर सकता हूँ, मुझसे अगर लगोगे तो ये होगा। जैसे झारखंड से कोई एक गिरोह छत्तीसगढ़ में अभी आया वसूली उगाही करने के लिए कि झारखंड में आप कोयला खदान चला रहे हो या सड़कें बना रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो,
इतने करोड़ रुपए हमको रंगदारी दो नहीं तो गोली मार देंगे। ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो हम आए हैं इनको गोली मारने के लिए। यहाँ पे पुलिस ने समय रहते, रायपुर की पुलिस ने समय रहते ऐसे गनमैन ऐसे शूटर सबको गिरफ्तार कर लिया। मैं सुनता हूँ ये पंजाब का जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है जो देश विदेश में कई जगह से ऑपरेट करता है, कई कत्ल करवाता है, जिसने पंजाब के एक सबसे बड़े सिंगर का कत्ल करवा दिया, जो जेल के भीतर से ऑपरेट करता है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बाहर निकलेगा तो उसकी ज़िंदगी को इतना खतरा है कि जेल के भीतर से ही गिरोह चला रहा है। उसके लोग यहाँ आए थे गोली चलाने के लिए, कारोबारियों को मारने के लिए। पहली बार पकड़ा गया, दूसरी बार उन्होंने कारोबारी नहीं मिले, उनके कर्मचारियों की कार पे फायरिंग की और भाग निकले बताने के लिए कि हम सीरियस हैं, हमको सीरियसली लो, रंगदारी टैक्स दो, नहीं तो अगली बार हवा में या कार पे गोली नहीं चलेगी, सिर पे चलेगी। ये बोल के गए। गनीमत की पुलिस ने पंजाब जाके दूसरी जगह जाके हर जगह गिरफ्तार किया उनको। रायपुर की पुलिस ने बिजली की तेजी से गिरफ्तार किया है इन लोगों को। पहली बार तो शूटर यहाँ पहुँचे ही थे, अगले दिन उनका कत्ल का प्लान था। जैसे मीटिंग होती है सरकारी, अगले दिन 10 बजे मीटिंग है, ऐसा अगले दिन 10 बजे या 10:30 बजे पहले कत्ल का प्लान था, उसके अगले दिन कोरबा या रायगढ़ में दूसरे कत्ल का उनका प्लान था, ऐसा बना हुआ था, मिनट टू मिनट प्रोग्राम उनका। पुलिस ने समय रहते पकड़ा, समय रहते गिरफ्तार किया तो लोगों की जिंदगियां बच गई। दूसरी बार पता नहीं लगा पुलिस को, समय रहते गोली चला के भाग गए हवा में एक कार के ऊपर, मरे नहीं कोई। पुलिस ने फिर ऐसे 4-6 लोगों को पूरे देश में घूम घूम के पकड़ा है। ये तो प्रोफेशनल शूटर थे, पेशेवर बंदूकबाज थे, ये गोली मार के पैसा वसूलना या पैसा न देने पर गोली मारना उनका धंधा था। लेकिन पुलिस से लेके लोकल मवाली तक, घरेलू महिलाओं तक, स्टेशन के वेंडरों तक, हिंसा का जो दर्जा मैं देख रहा हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने पूरी ज़िंदगी में एक थप्पड़ भी किसी से नहीं खाया है। मैं जब अपने आप की कल्पना करता हूँ उस जगह की, तो मुझको लगता है मेरे जैसे लोग तो एक लाठी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो जो कहेंगे मैं करने तैयार हो जाऊँगा, अगर कोई ऐसी पिटाई करेंगे तो। इस दर्जे की हिंसा कैसे हो रही है? इस दर्जे की हिंसा के लोगों को क्या मामूली सजा दे के छोड़ दिया जाता है? क्या 10 दिन 15 दिन में इनको जमानत मिल जाती है अदालत से या थाने से? क्या होता है इनके साथ, कैसे ये लोग? मैं रायपुर शहर की बात बतलाता हूँ आपको। गुंडे मवाली अदालत से छूट के आते हैं, पहले ही दिन दोबारा गुंडागर्दी करते हैं, अधिक समय नहीं गंवाते। उनको मालूम है कि दोबारा जेल चले जाएंगे किसी मामले में, 10-10, 20-20, 50-50 मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, तो अगले दिन जेल जाना किसी और मामले में पड़ जाए, उसके पहले पुरानी दुश्मनी निपटा लो एक बार। उसी दिन हिंसा करने लगते हैं, उसी दिन हमले करने लगते हैं, चाकूबाजी करने लगते हैं। जनता कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती, सामने देखते रहती है इस हिंसा को, नहीं करती है पुलिस भी कुछ। कम से कम रायपुर रेलवे स्टेशन पे पुलिस ने कुछ नहीं किया। रेलवे पुलिस थी वो अलग रहती है, जिला पुलिस के मातहत नहीं रहती है। लेकिन सैकड़ों लोग थे वहाँ पे मुसाफिर ट्रेन के, किसी ने भी कुछ नहीं किया। दो ही लोग थे मारने वाले, अगर 5-7 लोग इकट्ठा होके जलते चलो चलो इसको रोको, ये कैसे कर सकता है ये? मैं आपको बतलाऊं, मुझको दिल्ली के आसपास के किसी गांव का एक वीडियो याद पड़ रहा है। एक गली में एक तरफा प्रेमी था शायद, उसने किसी लड़की को रोका, उसको चाकू मारते रहा, चाकू मार मार के मार डाला उसने वहीं पर। सकरी गली थी और मैं देख रहा हूं कि उसके बगल से लोग निकल रहे हैं, 2 फीट दूर से, 2.5 फीट दूर से, 1 फीट दूर से लोग निकल रहे हैं। बहुत ही सकरी गली थी, वो चाकू मारे जा रहा है, लड़की गिर गई है, खूना खून हो गई है, लोग बगल से निकल रहे हैं, किसी सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है पूरा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को चाकू मारा जा रहा है, मर जा रही है वो लड़की, 2 फीट दूर से निकलने वाले लोग नहीं रोक रहे हैं।
रुक के देख भी नहीं रहे हैं। किसको सामूहिक जन चेतना कहते हैं? क्या हिंदुस्तानी समाज में कोई सामूहिक जन चेतना है? मैं हैरान होता हूं, किसी दिन मुझ पे हमला होगा तो कोई भी बचाएंगे क्या? आसपास के कोई भी लोग बचाएंगे? मैं तो देखता हूं कि सड़क के ऊपर अगर दो गाड़ियों में टक्कर हो जाती है, गिर जाते हैं लोग, तो दो लोग अगर उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 10 लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मामूली टक्कर में किसी की दिलचस्पी नहीं है किसी को बचाने में। तो हम भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय समाज में कौन सी संस्कृति की बात करते हैं? कौन से संस्कृति पे हमको गर्व है? वो संस्कृति जो एक मोहल्ले में पुलिस को मारे जा रही है महिलाएं, और महिलाएं माँ बहन की ऐसी गालियां दे रही हैं जिसको हम इस वीडियो में सुना नहीं सकते आपको। मुझको हड़बड़ा के फ़ोन बंद करना पड़ा, कान में मुझको ईयरपीस लगाना पड़ा, ईयरफोन लगाना पड़ा, तब मैं उस वीडियो को आगे सुन पाया, लेकिन पूरी मारपीट देख नहीं पाया। जब महिलाओं ने 5-10 बार माँ बहन की गालियां दे दी और लाठी ले लेके पुलिस को पीटना जारी रखा, कॉलर पकड़ के घसीटना जारी रखा पुलिस को, तो मैं समझ गया अब आगे मैं नहीं देख पाऊंगा इसको। क्या हो रहा है ये कौन सा ये माहौल है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकता है? ये कौन सी संस्कृति पे हम गर्व कर रहे हैं जिसमें महिलाएं जो हैं माँ बहन की गालियां बकरी? कौन सी संस्कृति है ये? कौन सा हमारा गौरवशाली इतिहास है जो कुछ लोगों को इस तरह की सार्वजनिक हिंसा करने की छूट देता है और कई दूसरे लोगों को मूक दर्शक बने रह के देखने की इजाजत देता है? क्यों कोई सामूहिक सजा नहीं हो सकती कि जितने लोग देख रहे थे उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों लोग मिलके नहीं किसी की हिंसा को रोकने की कोशिश करते? एक पुलिस वाले का, एक दूसरे रेलवे स्टेशन का कुछ दिन पहले का वीडियो आया था, इस बुरी तरह मार रहा था किसी गरीब कमजोर व्यक्ति को और उसको ले जाके प्लेटफार्म के किनारे जहां से ट्रेन निकलती है वहां पर उसको फेंकने की कोशिश कर रहा था नीचे पटरियों पे। पुलिस वाला वर्दी में था, और रेलवे स्टेशन ऐसी सार्वजनिक जगह है जहां बहुत सारे कैमरे लगे रहते हैं। तो मैं हैरान हो रहा हूं, और ये तो गनीमत की किसी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं लोग मोबाइल फोन से वीडियो ले रहे हैं, तो इन लोगों की हिंसा दर्ज हो रही है। अगर ये वीडियो एविडेंस न रहे तो इनको तो सजा भी ना मिल पाए। ये सोचने की ज़रूरत है हम सबको कि भारतीय समाज जो है ये कहाँ जा रहा है। मार खाने वाले लोग जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक रहें। अभी के मामले जो देख रहा हूँ इसमें मैं उच्च सवर्ण जाति के लोग मार खा रहे थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या समाज के ऊपर सचमुच हमको भरोसा करना चाहिए कि ये समाज किसी को बचाने के काम आएगा? मैं अभी देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जहाँ कांवड़िया विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है मामला, जहाँ मुसलमानों को एक अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, वहाँ की बात है, सच है। मैंने जब फेसबुक पर पढ़ा तो मुझको भरोसा नहीं हुआ, फिर मैंने उसके कीवर्ड से सर्च किया तो मुझको 5-7-8 बड़े ही भरोसेमंद समाचार स्रोत जो हैं उन पे ये खबर मिली कि वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट का एक हेड कांस्टेबल है, शायद मुसलमान है, उसने जब देखा कि कांवड़िए डूब रहे हैं तो उसने जाकर एक एक करके कांवड़िए को बचाया, तैरते हुए पानी में गया, नदी ही थी, पांच कांवड़ियों को बचाया, सारे के सारे हिंदू थे, उसने बचाया। कई जगह हिंदू भी मुसलमानों को बचाते होंगे, मैं किसी एक कौम को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं। मुझको लगता है कि ये देश की संस्कृति ये है कि जात और धर्म को देखे बिना, गरीबी और अमीरी को देखे बिना मदद करें। अगर हिंदुस्तान विश्वगुरु बन सकता है तो दसियों लाख अगर ऐसे लोग हमारे यहाँ हो जाएंगे जो जात धर्म देखे बिना किसी को बचाने के लिए अपनी जान बाजी पे लगा देंगे, तो हम जरूर विश्व गुरु बन सकते हैं।
लेकिन अगर जात और धर्म के आधार पर, गरीबी और अमीरी के आधार पर, किसी के अकेले पड़ जाने पे, किसी के गरीब हो जाने पर, आपके बदन पर वर्दी और हाथ में लाठी हो जाने पर, या आपके साथ भीड़ हो जाने पर, अगर आप केवल हिंसक हो जाते हो और बाकी की भीड़ मूक दर्शक हो जाती है, तो आप विश्व गुरु तो क्या, आप मोहल्ला गुरु भी नहीं बन सकते, मोहल्ले के मवाली बन सकते हैं, आप अपने थाना इलाके के मवाली बन सकते हैं। सोचने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को, जिन्हें नाज है हिंद पर, वे कहाँ हैं। ये लाइन लिखी थी किसी बहुत समझदार ने, जिन्हें नाज है हिंद पर वे कहाँ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पे जिनको फख्र है वो लोग कहाँ पर हैं आज? सोच के देखिएगा, क्या करें, इस हिंसा का क्या जवाब हो सकता है? पुलिस कितनी जगह ऐसी हिंसा रोक सकती है? जो खुद पुलिस है वो तो रोक सकती है कि अपने लोगों पर कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें, जेल डालें, सजा दें। पुलिस जब हिंसा पे उतारू हो जाए तो दूसरों के मुकाबले दुगनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आम जनता, जब कारोबारी, जब अड़ोस पड़ोस के झगड़े में, जमीन के झगड़े में लोग ऐसी हिंसा पर उतारू हो जाए, उसका क्या किया जा सकता है? सोच के देखिए आप, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई समाधान नहीं है इसका, आप सोचिएगा। आपको मेरी बातें अच्छी तो क्या लगेंगी, मैं तो कड़वी बातें ही कहता हूँ। महत्वपूर्ण अगर लगती है, आपको लगता है कि इस बात की कोई अहमियत है, मेरे इस एडिटोरियल से आपको कुछ सोचने का मौका मिलता है, आप मजबूर होते हैं सोचने पर, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी कीजिएगा, कोई फीस नहीं लगती इसकी। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, आपको लगता है कि उनकी समझ में कोई इजाफा हो सकता है, उनके सामने एक चुनौती बन सकती है मेरी बातें, कि सोच के देखो बताओ कि क्या ऐसे में हम विश्व गुरु बनेंगे? कौन लोग रोक रहे हैं? कौन लोग, कौन सी पार्टी अपने लोगों को ऐसी हिंसा करने से रोक रही है? कौन सी पार्टी अपने लोगों पर कार्रवाई कर रही है? सोच के देखिएगा, क्या ऐसे लोगों के भरोसे हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, या पूरी दुनिया जो है यहाँ की हिंसा को देख देख कर हिंदुस्तान के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर अपने दिल दिमाग में बनाती है? सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दुपहिए पर चलते हैं, चलाएं चाहे पीछे बैठे, हेलमेट लगा कर रखिएगा। कारों में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिएगा। आपको मालूम है कि कारों में सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया हुआ है तो किसी टक्कर होने की हालत में उसके एयरबैग्स भी नहीं खुलते, क्योंकि एयरबैग्स को सेकेंडरी प्रोटेक्शन माना जाता है। जब प्राइमरी प्रोटेक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं सीट बेल्ट का, तभी एयरबैग खुलते हैं। जो गाड़ियां आप लेते हैं उनमें 20,000 रुपये से लेकर 2-4 लाख रुपये तक एयरबैग और सीट बेल्ट के लिए दाम बढ़ता है उनका। इसलिए हेलमेट, सीट बेल्ट, इन सब हिफाजत का ध्यान रखिए। ये आपकी हिफाजत के लिए बना कानून है। सरकार और पुलिस को आपसे चालान वसूली के लिए ज़रूरत नहीं है। पैसा पाने के लिए उनको टैक्स बहुत मिलता है सरकार को, आपका चालान करके ये पैसा सरकार पाना नहीं चाहती। आपको खुद को, अपने परिवार पर मेहरबानी करना चाहिए। कोमा में पड़े पड़े बरसों लोगों को गुजर जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, हादसे में होश नहीं आता, मर जाते हैं। मैंने आपको बतलाया है पहले कभी, दिल्ली में एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, 19 साल, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूँ, 19 महीना नहीं है, 19 साल कोमा में रहा और बेहोशी की हालत में ही मर गया। हेड इंजरी के बाद की ये हालत थी। अपने घर के ऊपर इतना बड़ा बोझा मत बनिए। आप 2-4 साल भी अगर कोमा में पड़े रहेंगे ना, पूरा घर बार बिक जाएगा। मेहरबानी रखिए, सड़क पे हिफाजत रखिए, अपने आप को खुश रखिए, सुरक्षित रखिए। मेरी एक दिलचस्पी ये भी है कि आप बरसों तक हमारी इस बातचीत को देखते रहें। फिर मिलेंगे।